हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। गहलोत सरकार ने खोला सरकारी नौकरियों का पिटारा। चिकित्सा विभाग में होंगी 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। गृह विभाग में भी भर्तियों को मिली सरकार की मंजूरी। सहकारिता विभाग में 713 पदों पर होगी नियुक्तियां। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही एक और बड़ी सौगात दी है। युवाओं के दर्द को समझते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सत्ता संभालते ही विभागीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकालने के आदेश दिए थे। अब प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के इस आदेश को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है। पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में चिकित्सा मंत्री ने 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करने का आदेश दिया था। वहीं सहकारिता विभाग में भी 713 पदों पर भर्तियों की मंजूरी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपने विभाग गृह मंत्रालय में 8,600 कांस्टेबल और 706 SI के पदों पर भर्तियां करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद जहां युवाओं में खुशी की लहर है, वहीं उनमें एक आशा भी जगी है कि जननायक की सरकार ने जिस तरह अपने शुरुआती 4 महीने में ही युवाओं की सुध लेना शुरू कर दिया है, उसी तरह यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।